अनूपगढ़ धान मंडी में इस बार मूंग की फसल बेहतरीन आ रही है, वहीं दूसरी ओर कपास और नरमे की फसल में कमी देखी जा रही है। पिछले वर्ष कपास की फसल में सुंडी लग जाने के कारण अधिकांश किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिससे इस बार अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों ने कपास की फसल की बुवाई कम की है। इसके बदले उन्होंने ग्वार, मूंग जैसी फसलों को प्राथमिकता दी है। मूंग के भाव जी 6000 से लेके 7500 तक चल रहे हैं जी। किसान कितनी फसलें ला रहे हैं, कितने किसान आ रहे हैं? नहीं, आमदन ठीक है जी, बाजार में काफी आमदन है। अब की बार नरमा कितना आया? नरमा तो अभी चालू हुआ जी, इससे पहले मूंग ही चल रहे थे। मूंग की आमदन काफी हुई है। मूंग अच्छे हुए हैं, क्वालिटी भी बढ़िया है। मंडी में मूंग की फसल 6400 से लेकर 7500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिक रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। कपास की फसल के संबंध में इस बार किसानों द्वारा कम बुवाई किए जाने के कारण आने वाले समय में कपास के दामों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। इस साल कम उत्पादन होने के कारण कपास के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आर्थिक लाभ हो सकता है। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।